हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि भाई आप सभी भाई ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला ही था कि यार नए कबूतर मंगवाए हैं, तो सबसे पहले गाइस मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि यार मेरे एक भाई हैं, मतलब दोस्त हैं, तो उनको यार अपने सभी कबूतर सेल करना थे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपने सभी कबूतर नग से सेल कर दिए हैं, लेकिन शिराजी यार नग से नहीं जाता, क्योंकि आपको भी पता है भाई नग मतलब 100 रुपये नग, 150 रुपये नग में सादा कबूतर चला जाता है 20-30 इकट्ठा। तो उसने शिराजी हटा लिया, बोलने लगा भाई ये आप ही लोगे। और ये जो शिराजी कबूतर है गाइस मेरे ही घर का है, मतलब एक टाइम में प्रकाश भाई से 4 शिराजी कबूतर लाया था, सिल्वर मेल, पिंक फीमेल, और उसके साथ उसी के 2 पट्ठे थे, आपको याद होगा, पिंक कलर के, बिल्कुल 35 डेज के थे। तो आज गाइस वो लगभग 6-1 महीने हो चुके हैं, तो ये नर अब फुल साइज हो चुका है और उसके साथ एक मुखी भी है। तो गाइस भाई ने 2 कबूतर भेजे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं सेल करवा दूंगा, मतलब मैंने ले लिए, मैंने कहा भाई मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि वहां से भाई वो सेल नहीं हो रहे थे। और काफी भाइयों के गाइस ऐसे ही मैंने कबूतर सेल भी करवाए और अभी भी काफी मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन भाई मैं भाई काफियों को जानता नहीं हूँ, तो इसलिए गाइस मैं उनके सेल नहीं करवा पाता, क्योंकि भाई जिसको अपन ने कभी देखा नहीं, जिससे बात नहीं हुआ, उसके अपन कैसे सेल करवा दें और कैसे भरोसा कर लें। तो ये क्या है, जान पहचान वाले हैं, तो अपन ने उनके कबूतर ले लिए और 2 ही कबूतर थे, मैंने कहा ठीक है भाई दे दो मैं ले लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं उन दोनों कबूतरों का अच्छे से शौक भी करवाऊंगा और गाइस वो कबूतर भाई सेल्स के लिए अवेलेबल भी रहेंगे जिस किसी को चाहिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बाकी सबसे पहले तो गाइस अपन सभी कबूतरों को अपने खोल देते हैं और थोड़ी बहुत यार कबूतरबाजी तो करेंगे ही। और देख सकते हो यार लास्ट वीडियो में जो कि मैंने आपको पेटी रख के बताई थी, तो आज इनके भाई पर भी सोच रहा हूँ खोल लूँ, क्योंकि जब ही ये जा पाएंगे भाई जब इनके पर खोलेंगे, अभी पर नहीं खोले तो यार कोशिश तो करते हैं लेकिन भाई जा नहीं पाते। तो भाई मैं सभी कबूतरों को यार खोल लेता हूँ। और गाइस वो जो नए कबूतर थे वो भाई अपने इस वाले लॉफ्ट में बने, तो यार उनको भी खोल दो, खोल दो भाई उनको भी खोल दो। आ जा। तो गाइस देख सकते हो भाई धीरे धीरे यार अपने सभी कबूतर बाहर आ रहे हैं। और भाई पानी भी रख देते हैं अपन बाहर। आ जा। और गाइस देखेंगे, जैसे कि यार मैंने सुबह बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में ब्लू बार ने एक अंडा दिया था, अब देखते हैं भाई दूसरा अंडा अभी तक दिया है नहीं दिया है। और बाकी यार वो कबूतर खोल दिए नए वाले, क्यों खोल लो भाई उनको भी खोल लो। तो गाइस चलिए सबसे पहले तो भाई मैं आपको लॉफ्ट में कुछ अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेंटेल बेबी दिखाया ही था, तो भाई ये तो अभी पूरा सही है और इनके में भी कटोरा बिछाया है, क्योंकि भाई बहुत ही जल्दी मुझे मतलब पूरे चांसेस हैं कि यार येल्लो बहुत जल्दी अंडे रखवाएगा ही। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुखी का बच्चा बताया था निकल चुका है, तो देखो इनने भाई अंडा भी हटा दिया, ये देखो ये अंडा है, इसमें से भाई बच्चा निकला था, तो इसको भाई करते हैं अभी फेंक देते हैं। और मुखी का बच्चा देख सकते हो गाइस, भाई ये मुखी का बच्चा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, पता नहीं येल्लो निकलेगा, वैसे तो यार येल्लो ही निकलेगा, येल्लो का है, नर भी येल्लो था मादा भी, तो देख सकते हो यार क्लियरली आप लोग गाइस, माशाल्लाह भाई कितना बेहतरीन बच्चा हो रहा है, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, बहुत ही क्यूट है, छोटा सा है। और बाकी इधर तो यार कुछ भी नहीं है देख सकते हो। और इनके नीचे का यार पता नहीं कब निकलेगा, यार कब से वेट कर रहा हूँ, निकल गया क्या? नहीं निकला, हो सकता है यार आज या कल में निकल जाए, नहीं तो भाई फिर इनका अंडा ख़राब है। अब तक मेरे हिसाब से भाई निकल जाना चाहिए था, तो अपन थोड़ा और वेट कर लेते हैं, उसके बाद भाई निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई हो सकता है इनका अंडा ही ख़राब हो। तो देख सकते हो यार अभी भाई डाल रहा है सभी कबूतरों को के लिए पानी, और सभी कबूतर अभी बढ़िया खुले हैं, तो भाई थोड़ी देर इनको घूमने फिरने देते हैं और उसके बाद फिर अपन इनको भाई अच्छे से दाना पानी भी करेंगे, और उसके बाद मैं गाइस आपको फिर शौक भी तो करवाना है। तो यार इनके मुखी के पर भी तो खोलना है, सबसे पहले मुखी पकड़ लो, अपन पहले इनके पर खोल देते हैं। तो गाइस देख सकते हो यार सबसे पहले अपन अपने रेड मुखी के भाई पर खोल देते हैं। एक ही साइड का बना है दोनों साइड के बने? तो गाइस देखते हैं भाई इसके मैंने दोनों साइड के बने थे, एक ही साइड के, एक साइड का तो खोल दिया, दूसरे साइड का भी बांध दिया था। गाइस इसका दूसरे साइड का भी भाई मैं पर खोल रहा हूँ, ये देखो। तो गाइस दोनों साइड का भाई टेप काट दिया है, और वैसे यार मुझे उम्मीद है भाई ये कहीं जाएगा तो नहीं, बाकी देखते हैं जो होगा भाई देखा जाएगा, वैसे जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यार अब तो भाई इसकी जोड़ भी लग चुकी है, जोड़ नहीं लगती तो मानते भी। तो ये देख सकते हो गाइस मेल गाइस जा चुका है नीचे, और अब भाई ये आसानी से जैसे कि मैंने बताया था आपको उस वाली पेटी में चला जाया करेगा, तो अब तो भाई चला ही जाएगा क्योंकि यार पर खोल दिए। और गाइस पकड़ लिया है फीमेल को, ये देख सकते हो, तो अब भाई इस फीमेल के का भी मैं परों का टेप काट देता हूँ, ये देख सकते हो भाई
इस साइड से काटता हूँ। तो गाइस देख सकते हो एक साइड का पर भाई टेप काट दिया है, और अब मैं इसका भाई दूसरे साइड, इसका भी बना था, चलो इसका भी अपन दूसरा टेप काट देते हैं। देखो कितना झटपट आ रही है, उसको नहीं पसंद भाई हाथ में आना, तो भाई इसको भी छोड़ दो। तो गाइस ये देखो भाई, तो गाइस मेल ये रहा भाई, मुखी मेल देखना जोड़ लग चुकी है, तो ये बिल्कुल फीमेल के पास जाएगा। ये देखो ये आ गया इसके पास। तो भाई अपन ने दोनों के भाई पर खोल दिए हैं, और बाकी यार सेल वाले कबूतर जैसे कि भाई आपको पता ही है, और अपना जो वही मेहंदी कलर के शिराजी हैं, और क्या था अपना पास, और भाई ये मेल निकला, मतलब इसके 80-90% चांस यार मेल के हो चुके हैं कि भाई ये मेल ही है। और देख सकते हो भाई ये बहुत ही बेहतरीन है। मैंने इसको यार रोका था, पता नहीं क्यों रोका था, मैंने सोचा था भाई बहुत अच्छी चीज़ है रोक लेते हैं, तो 4-5 महीने गाइस इसको रोका, और आज पता चला भाई ये मेल है। तो गिरे बार बच्चा तो अपन ने सेल कर ही दिया था। तो गाइस अब भाई देखते हैं यार किसी को मेल की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई रेड मेल चाहिए अच्छी क्वालिटी में, तो अपन ये वाला मेल कहाँ गया, कहाँ वो हैगा। अब तो क्या बड़े कबूतरों में हो गया, देखो बड़ा ही लगने लगा लगभग। ये देख सकते हो गाइस क्या कर रहा हो भाई, सभी कबूतर डर गए, जैसे साइड में करोगे तो यार सभी डरेंगे ही। देख सकते हो सभी भाई डर के एक साइड आ चुके हैं। और देख सकते हो भाई दाने के लिए बोरा बिछा दिया है, और भाई दाना यार अब बाद में डाल देना, पहले शौक करवा दो ताकि नए कबूतर भी एक साथ मिल जाएं, थोड़ी देर घूम फिर लें और फिर खा भी लेंगे। तो गाइस भाई सबसे पहले देख सकते हो भाई लेकर आया है, अच्छा शिराजी लिया है। तो भाई ये मैंने एक बच्चा था 35 दिन का, जब मतलब एक जोड़ दी थी एक भाई को, तो उनकी यहाँ दोनों मेल निकले थे, तो वो पता नहीं उनने किसी को सेल कर दिया। और ये गाइस मैं बताऊँ, अपने पास जो पिंक शिराजी फीमेल है ना, वो इसकी जो मतलब इसकी बेटी थी एक और पिंक सेम इसी की तरह, और उसकी जो मतलब उससे जो भी निकला वो था ये, जो कि भाई मैंने बच्चा दिया था। अब देख सकते हो भाई ये कितना हेवी साइज़ में हो चुका है। सबसे पहले यार आप इसके भाई पर देखो, ये हल्का सा मतलब पिंक टाइप में है, पिंक बार हैं जैसे कि इसकी माँ के हैं पिंक बार, और भाई इसके उसके जैसे बार, तो ये देख सकते हो जैसा भाई उसके बार थे वैसे इसके डार्क बार भी आए हैं, और थोड़ा सा भाई ये शायद मेला भी हो रहा है, लेकिन भाई कलर इसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। भाई सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक करवाता हूँ क्लियर, आप लोग भाई आँख देख सकते हो भाई, इसके हल्के से आँखों पर डोरे भी हैं, और पिंक कलर में भाई इसकी चोंच है देख सकते हो, और भाई इसके पैर मोच वगैरह थोड़ी सी बारिश में ख़राब हो चुकी है, नहीं तो बहुत ही हेवी फेदरिंग है, और साफ़ सुथरा रखा है सीने पे से। भाई इसको ऊपर छोड़ना एक बार, ये देख सकते हो गाइस इसका साइज़ वगैरह देखो भाई, और इसका लुक, इसकी टेल गाइस पूरी खड़ी है पीछे से, और सीना यार काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है इसका देख सकते हो माशाल्लाह से, और मार्किंग वगैरह भी गाइस इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है, और माशाल्लाह ज़रूर बोल देना एक बार। ये देखो गाइस पीछे से इसका लुक देख लो, और काफ़ी बेहतरीन मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है यार इसका, ये देखो माशाल्लाह से। तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन शिराजी में मेल है, जो कि भाई किसी को ही भाई मांगेगा कि भाई मुझे चाहिए तो मैं उसको दे दूँगा। देख सकते हो आप लोग इसका कद वगैरह कितना बड़ा है। अब मैं आपको नीचे वो छोड़ के बताता हूँ ये हमारे कबूतरों में कैसा लगता है। ये आ गया, तो भाई देखना आप लोग ये देख सकते हो गाइस, मतलब कितना बड़ा नर है माशाल्लाह से, और कितना हेवी में नर है, ये देखो भाई आप लोग। तो ये था भाई एक मेल, इसका शौक करवाना था, मैंने करवा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारी चीज़, जो कि भाई बोल रहे थे कि मुखी है और सिल्वर, और पता नहीं किसके क्रॉस में से निकली है, तो ये सिल्वर कलर तो मैं समझ सकता हूँ डार्क, क्योंकि जैसे जंगलियों वाला कलर है वो आया है इसमें। और सबसे बड़ी खासियत गाइस इसकी ये है कि ये बार में है, तो ये देख सकते हो गाइस, इसको अपन ब्लू बार तो बोलेंगे नहीं, ब्लू तो कलर है नहीं, लेकिन भाई जो जंगलियों वाला कलर होता है ना थोड़ा सा उससे लाइट है, और बार में ये देख सकते हो गाइस मुखी फीमेल है। इसकी चोटी वगैरह देखो, और इसकी भाई दुम भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है जैसे कि मैं देख सकते हो आप लोग, और भाई मैं इसको आपको रख के बताता हूँ, देखना आप लोग। तो गाइस ये रही भाई फीमेल, कांटा वगैरह देखना भाई कितना बेहतरीन है। अभी क्या है ये भाई कबूतर आज ही आए हैं, और मैंने बंद कर दिया था, तो अभी थोड़ा बहुत डरे हुए हैं। तो ये भाई मेल है, और ये जो है ना सिल्वर, ये मतलब इनके बाद निकले थे, लेकिन अभी साइज़ देखो तो जगह जगह का भाई थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो भी गाइस बहुत हेवी मेल है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये मुखी फीमेल का, गाइस कांटा वगैरह देख सकते हो यार आप लोग माशाल्लाह से, भाई बहुत ही बेहतरीन कांटा है उसका, और खड़ान वगैरह देख सकते हो यार गोल मटोल रखी है बिल्कुल से। और अभी मुझे लग रहा है दाना डालेंगे ना अपन, तो फ़ौरन ये कबूतर दाने पर झपटेंगे, क्योंकि सुबह से भाई ये बंद थे। तो देखना भाई दाना आ चुका है, अब देखते हैं दाने पर अभी झपटते हैं, टाइम लेंगे। आ तो गाइस देख सकते हो भाई, भाई ने डाल दिया है दाना,
वो जैसे ही भाई हटेगा भाई मुझे लग रहा है पूरे कबूतर भाई झपटेंगे दाने पे। आ आ आ आ आजा आ आ तो गाइस देख सकते हो भाई सभी कबूतरों को डाल दिया है दाना। और वो रही भाई मुखी वाली फीमेल जिसपे अपना येलो वाला मेल गुटक रहा है, तो देखो ये भी आके दाना खा रही है। और ये था भाई वो शिराजी मेल, तो बाकी सभी कबूतर भाई बढ़िया दाना खा रहे हैं, तो इनको दाना खाने देते हैं। और उसके बाद गाइस जैसे ही दाना वाना खा लेंगे तो फिर अपन इनको भाई बंद कर देंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो भाई बस इतना ही बताना था मुझे, जो अपने नए कबूतर आए थे वो दिखाना थे और उनका शौक करवाना था, और थोड़ी सी भाई लॉफ्ट की अपडेट भी देनी थी। तो आज की इस वीडियो में तो गाइस बस इतना ही। आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।